किस किस्म का रिसर्च मेथड है इसके क्या फायदे हैं और ये कब यूज करते हैं और इसके जरिए किस किस्म के रिसर्च जो है वह आसान हो जाती है हम क्योंकि क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बात कर रहे हैं तो उसमें दो कल्चरल ग्रुप्स में से सैंपल लेना है तो इन दैट केस सेम सर्वे विल बी गिवन इन बोथ द कल्चर्स और मोर देन टू कल्चर्स देयर आर सम क्रॉस कल्चरल सर्वेस जो 45, 46, 48, 60 कंट्रीज़ में हुए हैं ये आपके लिए इतना ज़्यादा डेटा फ्राहम कर देते हैं कि आप किसी एक मौजू या थेरी के ऊपर उस सर्वे इन्वेंट्री को यूज़ करते हुए आप पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है और फिर आपके लिए क्रॉस कल्चरल कंपैरिज़न या क्रॉस कल्चरल सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस डिस्कवर करने आसान हो जाते हैं तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेनली फाइव स्टेप्स हैं जैसे कि हम पहले प्लानिंग रिसर्च में भी देख चुके हैं पहले आप वो प्रॉब्लम कंसीव करें तो मैं आपको हर स्टेप की मिसाल देते हुए चलती हूँ

वो हुई है कि मुख्तलिफ मुल्कों में मॉडल क्या बन रहा है खूबियों का करेक्टर स्ट्रेंस इसका जो है वो हमें केयरफुली सोचना चाहिए कि इसका क्या मकसद है इसको करने का मकसद ये है कि इंसानों में बहुत सी चीज़ें थी जैसी होती हैं चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हों दर्पज़ इज़ टू आइडेंटिफाई द करेक्टर स्ट्रेंग जिनमें डिफरेंस है कल्चर्स में इसका मतलब है कि उन कल्चर में लोग अपनी वो ख़ूबियाँ कम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कम नज़र आ रही हैं और तो आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज़ कंपैरेटिव यूज़ ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्चूज तो ये आपको प्रिसाइसली डिफाइन करना होता है इंफॉमेसन आप कैसे यूज़ करेंगे और राइट यू रिसर्च इन्फॉर्मेशन किस तरह यूज़ होगी कहाँ से लेनी है और इंफॉर्मेशन किस तरह की गैदर करनी है ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हैं कोई पहले से डिज़ाइन हुई भी इन्वेंट्री है टेस्टेड है ये सब अब इसके बाद आपने जब ये तय कर लिया कि आपका मकसद क्या है आपको प्रॉब्लम क्या है जिसे आप तो उसके ज़रिए इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपने किन लोगों से इकट्ठा करना है अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इकट्ठा करना है सो डिजाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने कहा क्वेश्चन मेल भी हो सकते हैं वो ऑनलाइन भी डाले जा सकते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी होते थे विच आर वेरी मच लेस कॉमन जब से ऑनलाइन डाटा इकट्ठा होने लगा है उसके बाद है सैपल करना है अपने पॉपुलेशन को कि अगर सौ लोग हैं पाकिस्तान से या दो सौ हैं हमने फोर्टी फाइव कंट्रीज़ की जिस स्टडी में पार्टिसिपेट किया मैंने पहले भी उसका ज़िक्र किया हुआ है वो मसलन फेसबुक यूजेज पे है, या मॉरेलीटी पे थी और एक टॉपिक था कि लोग लाइफ पार्टनर का यानी कि शादी के लिए जीवन साथी का किस तरह से इंतब करते हैं तो उसमें पाँच चीज़ें हैं दौलत है शक्ल है सेहत है किरदार की खूबियाँ वगैरह वगैरह तो उनमें क्या मुख्तलिफ मुल्कों में किस चीज़ को ऊपर रखा जाता है कोई लोग हेल्थ को ज़्यादा रखते हैं कोई दौलत को ज़्यादा उसके अंदर वो फोर्टी फाइव कंट्रीज़ का डाटा था तो उसमें उन्होंने ये कहा कि दो सौ लोग अगर आप पाकिस्तान से हमें मिल जाए लेकिन उसमें आम लोग भी हों और स्टूडेंट्स भी हों ये ना कि आपने दो सौ स्टूडेंट्स का ही डाटा इकट्ठा कर लिया है तो ये आपका एक अहम बात होती है कि सैम्पलिंग में आपने क्या कर फिर सैम्पल को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनको आपने बिल्कुल इस तरह किया कि कोई भी आ सकता है उसको कोई उसमें बायस नहीं है बिखराव अजाम्पल है उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो जनरल पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट हो जाती है उनकी नुमाइंदगी हो जाती है फिर आप अपने इंटरव्यूज़ या सर्वे या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन वो उनको देते हैं जमा करते हैं उसका डाटा एंटर करते हैं और उसके बाद अगर आप उसको स्टेटिस्टिकली देख रहे हैं नंबर्स के हिसाब से तो आप उसकी एवरेज वगैरह निकालते हैं मीन्स निकालते हैं जो वैल्यूज भी आपके पास आई हैं उस पर आप जो भी एनालिसिस रन करना चाहते हैं फिर आप वो करते हैं और फिर आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है और उसकी मैं मिसाल दे देती हूँ कि यूनिवर्सिटी टीचर्स में ऑनेस्टी का स्कोर आया और आम जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे या उनमें आया तो उसमें कोई फर्क नहीं था कि दोनों एक ही तरह के ऑनेस्ट थे कम थे या ज़्यादा थे लेकिन उनके बराबर थी ऑनेस्टी थी इसका मतलब है ऑनेस्टी का ताल्लुक आपके प्रोफेशन से या तालीम से नहीं तो ये इंटरप्रटेशन रिजल्ट की हो गई तो दैट्स हाउ वी फिनिश अ सर्वे कुछ डिफिकल्टीज होती हैं जब हम सर्वेज कंडक्ट करते हैं हम ये बात कर रहे थे कि रिजल्ट को समझ के इंटरप्रेट कैसे किया जाता है तो अगर बेस्ट भी तरीके से डाटा इकट्ठा हो गया और फिर भी रिसर्चर को कुछ मुश्किल पेश आती है उसमें से नतीजा निकालने में कुछ गलतियाँ हो सकती एक तो ये है कि लोग अपनी जबान से जो कह रहे हैं हमने उसी को स्कोर के तौर पे लिया है मैं इतना खुश हूँ उसने कहा जी मैं फाइव पे खुश हूँ उसने कहा मैं वन पे खुश हूँ तो वी टेक द वर्ड ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर वॉट एवर ही और शी इज सेइंग तो अगर हम उसकी ही जबान का एतबार कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने केयरलेसली भी किया होगा कुछ डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं उसका कोई तरीका सर्वे में आइडेंटिफाई करने का नहीं है इलावा इसके के के स्टैटिस्टिक्स जरिए जो आप रिलायबिलिटी देख रहे होते हैं तो उसमें में ना कुछ आपस में रब नहीं होता ठीक है तो वो इसका मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंटली कभी कभी वो कुछ कुछ कह रहा है, कभी कुछ, तो आपको ये लगता है कि ये कोर्स जो है रिलायबल नहीं आ रहे अदरवाइज आप डिसऑनेस्ट पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और फिर ये कि जिस तरह लोग अपने बारे में सोचते हैं उसमें कल्चरल डिफरेंसेस भी हो तो ये भी सर्विस में एक मुश्किल पेश आती